दोस्तों सनराइज़ खान का अभी के टाइम पे और एक इंटरव्यू सामने आ रहा है जहाँ पर दोस्तों बिग बॉस से बाहर जाके अपना इविक्शन का इंटरव्यू देते नजर आ रही है, जहाँ पर दोस्तों मीडिया के सामने भर भर के बुराया करते नजर आ रही है बाबू भैया की। जी हाँ दोस्तों, बाबू भैया को जम के ट्रोल करने लगी है अभी के टाइम पे सनराइज़ खान, जहाँ पर अपने बिग बॉस के कई क्लिप से देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे कहीं पर भी कि बाबू भैया को बार बार सनराइज़ खान जो है बेइज्जती करती थी, जहाँ पर वन लाइन उनके ऊपर यूज़ करती थी, जहाँ पर बातों ही बातों में उनकी इंसल्ट करती थी, उनको रोस्ट करती थी। उसी के बारे में दोस्तों जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो तुम बाबू भैया को ऐसा किस लिए करती थी, तो उनका यही कहना था कि ये वैसे ही हरकतें करता, ये उसी के लायक है, इसको क्या बोलना है, इसको कुछ नहीं समझता, बस इसको एक ही घमंड है कि इसको इतने सारी इसकी फैन फॉलोइंग, इसकी जो ब्रोस सेना है इसका इसको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। जहाँ पर दोस्तों सनराइज़ खान ने बाहर आके ये बोला कि मैंने बाहर आके देखे हमारे ऊपर कई सारे मीम्स बने, जितने बार मैंने उसको बोला है उसके ऊपर काफ़ी प्यारे प्यारे रील्स बने, ऐसा दोस्तों का कहना था जो कि आपने देखा होगा। सनराइज़ खान ने काफ़ी बार उनको बातों बातों में उनकी बेइज्जती की, उसके बारे में अभी के टाइम पर ये इंटरव्यू में बातें बोल रही है मीडिया के सामने। और दोस्तों सनराइज़ खान का ये भी कहना था कि ये बार बार ब्रो सेना के नाम पे रोता रहता है ब्रो सेना को लेकर, और इसको फुल गारंटी है कि ये शो जीतने वाला है, लेकिन इसका सबसे बड़ा घमंड यही है। मीडिया के सामने अनुराग यानी कि बाबू भैया के बारे में ये बोला, सना का ये कहना था कि अनुराग को ऐसा लगता है घर के अंदर उसके पास बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, वो घर के अंदर अगर कुछ भी ना करे, चाहे बिग बॉस उनके ऊपर कितने ही बायस हो, चाहे सलमान सर कितने भी फीडबैक दो, चाहे हम उसको कितना ही कुछ बोलो, चाहे मैं दिन भर सोता रहूँ, अगर मैं घर के अंदर 0% भी इन्वॉल्वमेंट दूंगा तो भी मैं जीत जाऊंगा इस शो, क्योंकि मेरे पास फैन फॉलोइंग है और घर के अंदर बाकी के जितने लोग हैं इनके पास घंटा अभी के टाइम पे कुछ भी फैन फॉलोइंग नहीं है मेरे बराबर, ऐसा दोस्तों सनराइज़ खान उनके बारे में बोल रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सही भी है, बार बार अनुराग जो है ब्रो सेना का जिक्र घर के अंदर काटते, उसी के बारे में दोस्तों अभी के टाइम पे इंटरव्यू में ये कहती नजर आ रही है। तो आपका क्या कहना है, कॉमेंट के अंदर अपनी राय दे सकते।